भैया को सिखाना है आज कार। क्या नाम है भैया आपका? सृजन। सृजन कहाँ से हो आप? सिवनी जिले से। सिवनी, आप भी सिवनी जिले से हो? भाई तीन लोग आए हैं सिवनी से मेरे पास सीखने। भाई मैं किस्मत वाला हूँ यार, दूर से आए। ये भाई जबलपुर से हैं, बट ये यहाँ पर पढ़ते हैं ना, इसलिए यहाँ पर रह रहे हैं। एल एन सिटी कॉलेज भोपाल का नाम सुना होगा। तो आज सीखना है कार। कार के बारे में कुछ नॉलेज है आपको? हाँ नॉलेज तो है। क्या क्या नॉलेज है बताएंगे आप ऑडियंस को? रिवर्स गियर कहाँ डलते हैं? रिवर्स गियर तो भाई कार आती नहीं, रिवर्स गियर कैसे जाएगा? तो सबसे पहले हम कार सीखेंगे और कार के बारे में कुछ जानेंगे। आज फर्स्ट डे है भाई का, फर्स्ट चैप्टर है आज, तो देखेंगे हम फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे हम। सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ता है कि गाड़ी के बारे में जानना जरूरी। गाड़ी कौन सी है? ये न्यू वैगनर 2021 मॉडल। कोई पूछता है अगर आपको कि भाई कौन सी गाड़ी से ट्रेनिंग ले रहा है प्रिंस कार ड्राइविंग में, तो आप बता सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमें ध्यान रखना सबसे पहले अपनी बैठक सही होनी चाहिए, सिटिंग सही होनी चाहिए। सिटिंग कहाँ से होगी? एक लीवर होता है नीचे, देखो खींचो उसको, आगे पीछे करके दिखाओ। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, साइड से एक लीवर होता है उसके, ये वाली सीट को सही कर सकते हैं। स्लिप मुड़ गया, देखो पीछे चली गई, ये ऊपर आ गई। ठीक है, छोड़ दो, थोड़ा सा और आगे करो, थोड़ा सा और आगे करो, ये छोड़ दो, बस सीट को भी थोड़ा सा आगे करो, ये ठीक है। सबसे पहले सीटिंग, सीटिंग के बाद सीट बेल्ट के बाद आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि हम फर्स्ट चैप्टर में आज पहला दिन हम क्या क्या सीखना है। पहले दिन स्टेयरिंग सीखते हैं, इंडिकेटर सीखते हैं, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का नॉलेज सीखते हैं। क्या क्या है इनमें? ये होता है स्टेयरिंग। स्टेयरिंग का वर्क क्या है? स्टेयरिंग क्या होता है? राइट घुमाने में गाड़ी राइट जाती है, स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं ना, तो ये हैंडल स्टेयरिंग सेम होता है। बाइक का स्कूटी में हैंडल बोलते हैं या स्टेयरिंग बोलते हैं कार की लैंग्वेज में। तो स्टेयरिंग का ध्यान रखिएगा। गलत क्या होता है, नए नए बिगनर्स में कन्फ्यूजन होता है ना, तो राइट टर्न करने की वजह लेफ्ट घूम जाती है, लेफ्ट टर्न करने की वजह राइट घूम जाती है। क्या नए बिगनर में थोड़ा सा माइंड को सेट नहीं रहता है क्या क्या चीज़? तीन चीज़ों को याद रखना है अपन को कि राइट घुमाने में जैसे उस तरफ इस रोलिंग को उस तरफ घुमाएंगे तो राइट जाएगी, लेफ्ट घुमाएंगे तो लेफ्ट जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये होता है इंडिकेटर। यहाँ पर इंडिकेटर होता है, लेफ्ट के लिए ऊपर होता है, राइट के लिए नीचे होता है। ये भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट के लिए कहाँ। अभी मैडम जब सीख रही थी तो बोल रही थी भाई राइट का नीचे दे, लेफ्ट का नीचे दे या लेफ्ट ऊपर करें, तो कन्फ्यूजन नहीं होता। राइट हाथ, अपना हैंड जजमेंट करना, राइट हाथ कहाँ पर है, राइट तरफ है तो किस तरफ जा सकता है आप गेस कर सकते हो, किस तरफ जाएगा नीचे, लेफ्ट हाथ यहाँ पर है तो किस तरफ जाएगा ऊपर। ठीक है ना, हैंड जजमेंट करोगे तो इंडिकेटर देने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये चीज़, और गलत इंडिकेटर देखे, गलत जगह टर्न नहीं करना वरना पीछे से टक्कर 100% होगी। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना, आप ध्यान देना है इंस्ट्रूमेंट। ये तीन इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमें सिर्फ दो पैर से ऑपरेट करना है। तीन इंस्ट्रूमेंट की जगह हमारे पास तीन पैर नहीं है, दो पैर हमें दो पैर हैं। तीन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो तीन इंस्ट्रूमेंट्स क्या वर्क करते हैं? क्लच ब्रेक और एक्सीलरेटर। हाँ नाम तो पता है, लेफ्ट क्लच कौन सा है? लेफ्ट वाला पैर में जो क्लच है। ठीक है, लेफ्ट वाला जो क्लच है, बीच वाला जो ब्रेक है, राइट तरफ एक्सीलरेटर है। क्लच का क्या वर्क है, क्या काम है क्लच का? इंजन कंट्रोल करता है। ठीक है, ये टोटल इंजन को कंट्रोल कर ले, गाड़ी स्टार्ट भी रहेगी, गियर भी रहेगी, एक्सलेटर भी देगा तो गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ेगी, अपने बस में कर लेता है इंजन को। ठीक है, क्लच जल्दी से छोड़ दोगे तो गाड़ी बंद, इंजन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्लच लेफ्ट वाला पैर है जो हमेशा क्लच को ऑपरेट करेगा, कभी भी लेफ्ट वाला पैर कहीं और नहीं जाएगा, सिर्फ क्लच के लिए बनेगा। नए बिगनर्स में क्या होता है, भूल जाते हैं, तो लेफ्ट वाले पैर में स्टार्टिंग से आपकी गलती हुई थी, क्लच वाला ब्रेक में चला गया था, तो कभी भी लेफ्ट वाला पैर ब्रेक में नहीं जाएगा, राइट वाला पैर ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों तरफ जाएगा। वी शेप में दोनों तरफ रखेंगे, दोनों तरफ एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक दोनों तरफ जाएगा। ठीक है, ब्रेक में लाओ पैर, ये तेज नहीं मारना, ब्रेक पावर्स होता है, बहुत तेज होता है, राइट तरफ करो, ये बीच लाओ, ये ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ब्रेक क्या होता है, कब कब किस कंडीशन में कैसे यूज करते हैं, देखिएगा आप लोग, है ना। ब्रेक लगाने का तरीका होता है, अगर हम 50-60-100 की स्पीड में जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो डायरेक्ट ब्रेक लगेगा कहाँ तक? 35 तक। ठीक है, 35 तक डायरेक्ट, क्योंकि भाई तेज स्पीड में डायरेक्टली क्लच दबा के ब्रेक नहीं लगा सकते, इंजन बहुत फ्री हो जाता है, तो पहिए स्लिप होने का भी चांस होता है, ब्रेक स्लिप होने का चांस होता है। ठीक है, तो क्लच दबा के, क्लच से जब तेज रोलिंग पे रहती है गाड़ी, तो क्लच दबाओगे तो इंजन और फ्री हो जाएगा, क्लच को इंजन को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन स्पीड कंट्रोल नहीं होती। ठीक है ना, तो क्लच और फ्री, इंजन और फ्री हो जाएगा। कभी 50-60-100 की स्पीड में चल रहे हैं तो कभी क्लच दबा के ब्रेक कभी गलती से भी मत मारना, इंजन के साथ मारना ब्रेक, 35 तक 30 तक ब्रेक मार सकते हो, उसके बाद क्लच दबा सकते हो, क्योंकि गियर भी कम करना होता है। ठीक है, वरना गाड़ी झटझट करके बंद हो सकती है, फिफ्थ गियर में गाड़ी है तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो बीच वाला ब्रेक है वो हमेशा राइट वाले पैर से ऑपरेट करेंगे, कभी लेफ्ट वाला पैर नहीं जाएगा। अब एक्सीलेटर की बारी है, एक्सीलेटर क्या होता है? स्पीड के लिए, स्पीड कंट्रोल, स्पीड इंक्रीज करता है, जितना दबाओगे उतना भागेगी गाड़ी, डिपेंड गियर के ऊपर करता है कि गियर कितना पड़ा हुआ है, अगर फिफ्थ गियर में तो दबा के चलो बहुत तेज भागेगी,
फर्स्ट गियर में तो दबाए रहोगे तो गाड़ी सिर्फ आवाज करेगी, डिपेंड स्पीड लेवल क्या रखना है अपन को, ठीक है। और कभी भी टर्निंग वर्निंग में जो भी होता है तो एक्सीलेटर को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, पहले क्लच को दबाएंगे। हाँ, गाड़ी स्टार्ट करते टाइम कभी भी एक्सीलेटर की इंडिकेटर नहीं होती है, कभी धोखे से भी एक्सीलेटर दबा के गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना। कभी धोखे से अगर साउंड आता है तेज तो अपना माइंड ना थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है, जिससे अपन कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि भाई आवाज कैसे आ रही है, तो क्लच छोड़ देता है इंसान और एक्सीलेटर दबा रहेगा। घर में गाड़ी हुई तो जाके बढ़ान से लग जाएगी। नए नए बिजनेस में ये थोड़ा सा कॉमन सेंस थोड़ा यूज नहीं कर पाते हैं, क्या होता है कि डर ज्यादा रहता है, डर के चक्कर से कंफ्यूजन होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी भी आप एक्सीलेटर पर, आप बाइक के स्कूटी में एक्सीलेटर देते हैं है ना, उसमें कम पावर आता है, हाँ, तो कार को कितनी भी ठंड हो, कितनी भी कैसी ठंड में बोलते हैं ना कि कार बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई, लेकिन कभी भी एक्सीलेटर का नीड नहीं होती। ऑलरेडी कंपनी इसमें इतना आरपीएम देती है, जब पहली बार गाड़ी उठा स्टार्ट करोगे ना घर पे रखी हुई तो ऑलरेडी एकदम से खींच के स्पीड स्टार्ट होगा, आज साउंड करेगा अचानक से, फिर ऑटोमेटिक दो तीन चार एक मिनट के अंदर अंदर वो साउंड डाउन हो जाता है, उसका आरपीएम ऑलरेडी ऑटोमेटिक रहता है, जैसे स्टार्ट करो तो ऑटोमेटिक वो स्टार्ट हो जाएगी, आपको कभी भी एक्सीलेटर की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब कार स्टार्ट करेंगे तो हमेशा लेफ्ट वाला पैर कहाँ होना चाहिए अपना, क्लच पे, और राइट वाला पैर ब्रेक। और देखो अभी वही चीज बताई, एक्सीलेटर बता रहे हैं, कभी भी स्टार्ट करते टाइम एक्सीलेटर की नीड नहीं होती है, ठीक है। अब कार को कैसे स्टार्ट करेंगे हम, कि लेफ्ट वाला पैर क्लच को प्रेस करेगा और राइट वाला पैर ब्रेक को, ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी एक्सीलेटर की नीड नहीं होती तो क्लच पूरा प्रेस करो, लेफ्ट वाला पैर दबाओ पूरा फुल और ब्रेक। अब कार को स्टार्ट करो, ये स्टार्ट हो गई। अब चाबी में ध्यान रखिएगा, गाड़ी लॉक मिलेगी तो एक बार हैंडल हिलाकर एक बार ऑन करेंगे, एक बार स्पीडोमीटर ऑन होगा, एक बार फिर स्टार्ट होगी, ठीक है। अब स्टार्ट तो हो गई गाड़ी, अब ध्यान रखना हमें कि गाड़ी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा टास्क है, लोगों की गाड़ी होती है बंद, ठीक है। तो गाड़ी बढ़ाने का तरीका था, दो तरीके होते हैं। पहला, अगर प्लेन जगह में गाड़ी खड़ी हुई है, चढ़ाई बढ़ाई नहीं है, तो क्लच काफ़ी उठाने के लिए आपको एक्सीलेटर की नीड बिल्कुल नहीं होगी। क्लच कितना छोड़ोगे जो गाड़ी बढ़ जाए आगे और बंद ना हो, हाफ क्लच वाइब्रेशन पॉइंट पे, वाइब्रेशन होना चाहिए। अगर वाइब्रेशन आया मतलब परफेक्ट उठ रही है, वाइब्रेशन नहीं आया मतलब परफेक्ट बिल्कुल नहीं उठ रही है, ठीक है ना। झटके से उठाओगे तुरंत बंद हो जाएगी गाड़ी, ठीक है। एग्जाम्पल आप पे ले लो, आपको झटके से अगर धक्का दूंगा तो आप गिर जाओगे, प्यार से बोलूंगा तो आराम से चले जाओगे, ठीक है। वही सिस्टम गाड़ी के साथ भी, हाफ क्लच अगर आप छोड़ोगे वाइब्रेशन तो गाड़ी ऑटोमेटिक उठ जाएगी प्लेन जगह में। अगर यही गड्ढे वड्ढे में थोड़ा रोड से नीचे टैपर वेपर में है तो क्या करना, हाफ क्लच तो छोड़ना वाइब्रेशन तक, वो तो बाइंडिंग पॉइंट तक है, उसे बाइंडिंग पॉइंट बोलते हैं। हार्ड क्लच तो छोड़ना, उसके साथ में थोड़ा सा प्लस एक्सीलेटर, एक्सीलेटर भी पूरा नहीं देना, पता चले चढ़ गए एकदम से, धीरे सिर्फ अंगूठे से, हाँ हल्का सा एक्सीलेटर देना है जिससे पावर से धीरे उठ जाएगी, उसे बोलते हैं नॉर्मल क्लच। दो तरीके अगर माइंड में सेट कर लिए, कभी जिंदगी में गाड़ी बंद नहीं होगी, कोई भी कैसे भी बोल दे। ये अगर ये तरीका आपने आजमा लिया ना तो इंसान यही बोल दे आप बहुत परफेक्ट इंसान हो, ठीक है। तो अब देखो क्लच को धीरे रिलीज करो, ब्रेक छोड़ो, ठीक है। अब क्लच को धीरे रिलीज करो, मैंने गियर लगा दिया, छोड़ो धीरे क्लच को, धीरे धीरे ये गाड़ी उठ रही है, वाइब्रेशन उठ रही है, ये उठ गई गाड़ी, ये उठ गई। आपके एक्सीलेटर की नीड हुई क्या, बिल्कुल नहीं हुई, ठीक है। अब सीखेंगे हम लोग स्टेयरिंग घुमाना, आपको स्टेयरिंग का झिझक होता है थोड़ा, ठीक है। घुमाओ लेफ्ट, लेफ्ट घुमाओ फटाक जल्दी, फटाफट घुमाओ, फटाफट घुमाओ, देखो पत्थर है, राइट घुमाओ, एक ऊपर एक हाथ लो, अभी सही नहीं आ रहा स्टेयरिंग, घुमाओ राइट, पूरा फुल घुमाओ, फुल फुल एंड हो जाना चाहिए, एक ऊपर एक हाथ होना चाहिए, इससे बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेयरिंग। घूमने दो, क्लच छोड़ते जाओ, पूरा पैर हटा दो क्लच से, ब्रेक छोड़ दो, ब्रेक भी छोड़ दो, एक्सीलेटर पैर रखो, हाँ बढ़ाओ क्लच से पैर हटा दो, पूरा पैर हटा के पीछे रख दो, ठीक है, पीछे रख लो पैर उठा के पीछे रख लो आप, ठीक है ना, हाँ ये बढ़ाओ स्पीड, स्पीड छोड़ो फिर क्लच दबाओ पूरा, रुक जाओ स्पीड लग ही नहीं रहा, छोड़ो क्लच बढ़ाओ, घुमाओ राइट, स्पीड लगा ही नहीं रहा, एक्सीलेटर का पैर पीछे करो, पहले गलत एक्सीलेटर रखा है, पीछे करो, नोक पे रखो, कोई और पीछे करो उसको, नोक पे नीचे रखो, ठीक है, बढ़ाओ स्पीड, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा, स्पीड नहीं बढ़ रही बिल्कुल भी, स्पीड बढ़ाओ, बढ़ाओ स्पीड, स्पीड छोड़ो फिर क्लच दबाओ, छोड़ो क्लच, सीधा करो गाड़ी को, ये ठीक है। अब घुमाना सीखना है, क्लच से पैर पूरा हटा दो, ठीक है, घुमाओ राइट फटाफट जल्दी, घुमाओ राइट फटाफट जल्दी, फास्ट घुमाओ फटाफट, कितने भैया देखो रोक दिया आपने, एंड नहीं हो पाया, देखो ये लेफ्ट घुमाओ, एक दो तीन पूरा फुल चार, राइट घुमाओ, घुमाओ फटाफट, एक दो तीन चार, ठीक है, लेफ्ट घुमाओ फटाफट जल्दी, एक दो
तीन, ये देखो गलत आ रही, गलत आ रही, राइट घुमाओ फटाक से जल्दी, एक लंबे लंबे हाथ मारो, दो तीन, ये सही आ रहा है ठीक है, इधर पकड़ो, ये राइट हाथ इधर होना चाहिए, लेफ्ट हाथ इधर होना चाहिए, अब लेफ्ट घुमाओ, घुमाओ फटाफट, एक हाथ गलत नहीं होना चाहिए, आपका हाथ यहीं होना चाहिए ठीक है, घुमाओ फट, घुमाओ फटाफट, ये गलत पकड़ रहे हो, ये हाथ इधर रहेगा ठीक है, घुमाओ लेफ्ट, फिर से लेफ्ट घुमाओ, लेफ्ट घुमाओ, लेफ्ट घुमाओ भाई, लेफ्ट घुमाओ, एक बिगाड़ दिया आपने यार, ये हाथ इधर होना चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं पकड़ोगे ठीक है, लेफ्ट घुमाओ, घुमाओ फटाक जल्दी, देखो गलत पकड़ रहे हो आप, मैंने क्या बोला आपसे, आपके हाथ यहाँ और यहाँ होना चाहिए, लेफ्ट घुमाओ फटाक जल्दी, घुमाओ लेफ्ट, घुमाओ 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 भैया, घुमाओ राइट, घुमाओ, एक दो तीन, घुमाओ पूरा फुल फास्ट, हाथों को फास्ट करो थोड़ा, देखो गलत पकड़े हो आप, लेफ्ट घुमाओ, देखो गलत पकड़ लिया आपने, गलत पकड़ लिया, गलत पकड़ लिया आपने, आपके हाथ सिर्फ यहाँ और यहाँ होना चाहिए, इतने बीच में नहीं होना चाहिए, आप बार बार इधर पकड़ ले रहे, इधर तो मूवमेंट गलत आ रहा है, लेफ्ट घुमाओ फिर से, घुमाओ फटाक से फुल, ये देखो गलत पकड़ लिया आपने, मैं मना कर रहा हूँ आपको कि भाई इधर पकड़ो, ये छूट कर यहीं आएगा, वो छूट कर वहीं आएगा, घुमाओ लेफ्ट, ये देखो गलत पकड़ रहे हो आप भाई, मैंने क्या बोला, ये छूट कर यहीं आएगा, ये इधर नहीं जाएगा, लेफ्ट घुमाओ, ये देखो गलत, ये कहाँ आ गया, मैंने ये बोला था यहाँ पर पकड़ने के लिए, फिर क्यों आ रहा है।